मैंने तो इसकी पहले ही आपको जानकारी दी थी कि ये जो एक पूरा अभियान पीछे से राहुल गांधी द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, जिसमें कि राहुल गांधी ने कुछ लोगों को कास्ट के एजेंडा पर इस देश को बांटकर अपने सियासी फायदे के लिए खड़ा करने का काम किया है, उसमें आप हरियाणा में देखो जाट आंदोलन, गुजरात में पाटीदार आंदोलन जिसमें हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, फिर दलित ऊना आंदोलन के जरिए वो ये जिग्नेश मेवानी, फिर महाराष्ट्र में उसी जिग्नेश मेवानी को पहले मराठा के नाम पर, मराठा रिजर्वेशन के नाम पर, और फिर दलित के आंदोलन के नाम पर वहां पे बांटने की सियासत। तो ये जो कास्ट में बांट के कास्ट पॉलिटिक्स को आगे करके लेफ्ट और कांग्रेस की जो ये मिली जुली जो राजनीति है राहुल गांधी की, जो दिमाग की उपज है, उसी का एक प्ले आउट भीमा कोरेगांव में हुआ, और अब जो है जिग्नेश मेवानी के जरिए, और जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद और शेला राशिद और इन लोगों की टीम के जरिए दिल्ली में आज ये युवा हुंकार रैली का ऐलान हुआ था। अंदाजा लगाया जा रहा था कि 4 से 5 हजार लोग आएंगे, उतनी तादाद में पुलिस का बंदोबस्त भी किया गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, पर 200 से 300 लोग, मुझे लगता है 400 लोग, मैंने अलग अलग रिपोर्टें मंगाई तो 400 लोग पहुंचे थे इतने सारे प्रमोशन के बाद। और आप जानते हैं कि कुछ मीडिया के सेक्शंस ने, जैसे एनडीटीवी और क्विंट वगैरह ने, इनको भरपूर प्रोत्साहन, इनको भरपूर माइलेज, इनको भरपूर कवरेज देने का काम किया, पर फिर भी जो है 400 लोग से ज्यादा वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाए। और इसके पीछे 3 या 4 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण ये है कि जिग्नेश मेवानी, जिसको दलित चेहरा बनाया जा रहा है जोर जबरदस्ती से, वो दलित चेहरा नहीं है। वो पहले एक वामपंथी थे और वो हमेशा एक वामपंथी ही अपने आप को मानते हैं, और इसीलिए जो हाल ही में एक वीडियो भी बाहर आई जिसमें कि उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी की बहुत ही ज्यादा, मैं कह सकता हूँ, उनको डिसरिस्पेक्ट की या उनके बारे में जो चीजें कही, और वो होने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमारे उमर खालिद साहब के भी व्यूज को आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से देश के लिए बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या बातें रखी हैं। तो ये इस तरीके के आइकॉन्स को प्रॉप अप करने का काम, इस तरीके की गैंग को प्रॉप अप करने का काम राहुल गांधी जी ने किया था, और राहुल गांधी को लगा कि टीम उमर खालिद, टीम जिग्नेश मेवानी, टीम शैला राशिद को लेकर वो देश से बाहर जाकर इन लोगों के जरिए अपनी कास्ट पॉलिटिक्स को और एंटी इंडिया पॉलिटिक्स को बढ़ाकर वो जीत सकते हैं। पर आज एक जो फ्लॉप शो हुआ है, और आप कहेंगे कि टीम राहुल गांधी का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, भाई मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ बता सकता हूं कि जब जिग्नेश मेवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको देखने के लिए टीम राहुल गांधी के टॉप एडवाइजर्स वहां प्रेस क्लब में मौजूद थे। इसके अलावा हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के स्तर पे अजय माकन जी के जरिए ही शायद होगा, पर टीम राहुल से डेफिनेटली एक मैसेज गया था कि आप इस रैली में आइए और उसको समर्थन दीजिए। इसके अलावा जब भीड़ नहीं जुट पा रही थी तो 11 साढ़े 11 बजे आज सुबह 500 रुपए देकर ब्लू झंडा उठाकर भीड़ को लाने का भी काम किया गया, और मेरे 3 से 4 जो मुस्लिम समर्थक हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी फोन आया था कि 500 रुपए मिल रहा है और वहां पे जाना है और झंडा उठा के जाना है। तो ये सारी चीजें हुई थी, और पैसा खर्च करने के बाद काफी एनजीओज इनके साथ थे जो अपना पैसा खर्च कर रहे थे। टॉप के लोग, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कांग्रेस पार्टी और मतलब राहुल गांधी, टीम राहुल गांधी टीम, और बाकी जो एनडीटीपी, मैं जिनको कहता हूँ एनडीटीपी, न्यू दिल्ली टू पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी एक्टिविज्म करते हैं, वो तमाम लोगों ने पूरा ऑक्सीजन दिया, पूरा सपोर्ट दिया, पर फिर भी लोग नहीं आ पाए। और इससे एक संदेश देश में जा रहा है, संदेश ये जा रहा है कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग,
इनको समर्थन मिलता है, और जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं या कास्ट के नाम पे देश को बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए लोगों के मन में, और खासकर वो लोगों के लिए जो दलित आइकॉन्स को इंसल्ट करते हैं, जो वायलेंस की बात करते हैं, जो सड़कों पे वायलेंस लाने की बात करते हैं, जो एंटी इंडिया बात करते हैं कि कभी हम जम्मू कश्मीर को दे देंगे पाकिस्तान के हवाले, कभी ये जो अपना आतंकवादी मारा गया है बुरहान वानी, इसको जब शहीद बनाने की बात करते हैं, अफजल गुरु को शहीद मानने वाले लोग, मुझे पता नहीं चल रहा कि राहुल गांधी को क्या ऐसा हो गया है कि वो जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, शहला राशिद, पहले इन्होंने सलमान निजामी को पकड़ा था, सलमान निजामी की वजह से आप गुजरात चुनाव हार गए, तो अब फिर इनसे इनको पकड़ लिया आपने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब देश में तमाम सारे नेशनलिस्ट और अच्छे बोलने वाले, अच्छे काम करने वाले, पॉजिटिव काम करने वाले इतने लोग हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि जनयूधारी राहुल गांधी अब जेएनयूधारी क्यों बन चुके हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो है बहुत ही जल्द, जिस तरीके से वो जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को जेएनयू के चुनाव के अलावा कोई और चुनाव कंटेस्ट करने का मौका नहीं बचेगा अगर वो इस तरीके की राजनीति करते रहे। तो जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बनने की लड़ाई अगर राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो वो सही दिशा में है, परंतु अगर वो देश में अपनी राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आज जो हुंकार रैली पे म्यूट बटन देश ने दबा दिया है। कैप्टन कन्हैया कुमार की बात करूं तो कन्हैया कुमार से एक पत्रकार ने पूछा कि यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, तो प्रशांत भूषण कन्हैया कुमार ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये फ्लॉप शो था। प्रकाश आंबेडकर ने भी पहले ही कहा था कि ये जिग्नेश मेवानी जो है ये अलग किस्म का व्यक्ति है। तो मैं तो समझता हूं कि इस देश के युवाओं की बात अगर सुननी है, समझनी है, तो राहुल गांधी पहले तो अपनी पार्टी के जो युवा है, जो शहजादे नहीं है शहजाद है, उनकी बात को सुने, और बाकी ये जो देश को कास्ट वगैरह में हरियाणा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक आग लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको नहीं करनी चाहिए। और चलिए, अब हरेक को अपनी अपनी राजनीति जो है करनी है, पर देश के खिलाफ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप पार्टी को हराओ, मैं भी चाहता हूं कि बीजेपी और जो संघ परिवार है उनके खिलाफ कई लोग उठे, बोले, उनके खिलाफ जो है सही बातें रखे, अप्रोच रखे, कंस्ट्रक्टिव, देश को एक दूसरा विजन दे जिससे कि देश उस रास्ते पर चल सके, और ना कि इस रास्ते पर जिसके ऊपर आपको इत्तेफाक नहीं है। परंतु आप देश के खिलाफ ही जब अपनी राजनीति करोगे तो मुझे लगता है कि ये देश जो है फिर आपकी हुंकार को जिप लगा देगा। तो आज हुंकार नहीं निकली, आज सिर्फ एक विम्पर या विस्पर निकला। चलिए, इंशाल्लाह अगर इनकी हुंकार निकलती है तो हम भी देखेंगे। बहरीन जाकर हुंकार लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। राहुल जी, देश में आइए, आप कुछ काम कीजिए। आप तो वैसे युवा नेता रहे नहीं, आपकी उम्र 47-48 हो चुकी है, तो जेएनयू के युवा क्लब से आप आगे बढ़कर देश के युवा क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचने का काम करें। जय हिंद साथियों, जय भीम, और अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।